हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 7 दिनों के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बड़ी मेहनत करके जेसीबी मशीन लगाकर विरामी ढाणी से विरामी गांव में आने जाने के लिए सड़क मार्ग पर मिट्टी डालकर रास्ता तैयार किया था, मगर 4 लेन हाईवे से टोल बचाने के लालच में कुछ वाहन चालक विरामी गांव में होकर अपने भारी भरकम वाहनों को इस रास्ते से लेकर जाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 दिनों के बाद पहली बार गांव के समाज सेवी युवा महिपाल सिंह करनोत के नेतृत्व में गांव के ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत कर बनाए रास्ते से ट्रक चालक ने ग्रामीणों के मना करने के बाद भी वाहन चला दिया और कुछ ही दूरी तय करने पर यह भारी भरकम ट्रक मिट्टी में फंस गए, जिससे आज शुक्रवार को एक बार फिर से विरामी ढाणी से विरामी और रानी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। बीच रास्ते में एक ट्रक फंस गई है। चक्रवाती तूफान के चलते इसी जगह पर सिरोही से आशापुरा नाजोल जाने वाली करनी ट्रेवल्स की बस फंसी हुई थी और यह ट्रक फंस जाने से विरामी रानी आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। गांव के युवा महिपाल सिंह करनोत प्रेम सिंह राज पुरोहित के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने पाली जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर शीघ्र ही सड़क मार्ग सही करवाने के साथ भारी भरकम वाहनों की इस रास्ते से आवाजाही पर पाबंदी लगाने की पुरजोर मांग की है। जागरूक टीवी के लिए सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।